गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा जी टॉपिक शुरू किया था न्यूट्रिशन को पढ़ना। आपने कल बातें की थी कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो होती है न्यूट्रिशन के अंदर वो होती है विद इन द मोनेरा, दैट इज विद इन द बैक्टीरिया। आपने कल सबसे पहले कहा था या तो बैक्टीरिया किसी एनर्जी का यूज करके इनऑर्गेनिक मेटेरियल को लेके ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फूड को खुद बनाएगा, तो वो करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या था बेटा जी? यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि कल आपने उसको पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। ऑटोट्रॉफिक जब होता है तो वहां पे वो किस सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करता है? क्या वो लाइट का यूज करता है? आपने कहा यस सर। तो आपने कहा तो वो होगा फोटोसिंथेटिक। आपने कहा सर वो फोटोसिंथेटिक है बट वो वहां पे हाइड्रोजन के डोनर के तौर पर किसको यूज करता है? तो आपने कहा था वो एनऑक्सीजेनिक होती है, वो वॉटर के अलावा किसी और चीज का यूज करती है, आइदर इनऑर्गेनिक और आइदर ऑर्गेनिक। तो आपने कहा इनऑर्गेनिक का यूज करता है वो था लिथो फोटोट्रॉप, और जो सर यहाँ पे यूज करता है ऑर्गेनिक का लाइक अमीनो एसिड, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, लाइक फैटी एसिड, तो आपने कहा था वो बन जाएगा ऑर्गेनोफोटोट्रॉप्स। ये सब बात हुई थी। फिर आपने कहा था सर ऐसे भी बैक्टीरिया जो खाना खुद बनाते हैं बट दे आर नॉट यूजिंग द सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड आपने उन बैक्टीरिया का नाम रखा था बेटा जी यहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और उस प्रोसेस का नाम था कीमोसिंथेसिस। आई होप आपको ये सब बातें रिकॉल हो रही होगी इस बात में कि हाँ हमने ये सब बातें कल वाले लेक्चर में पढ़ी है। फिर आपने बातें की उसके बारे में कि वो वहां पे किस केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कोज करते हैं, उसके आधार पे वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं लाइक नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, लाइक सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, लाइक आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, या फिर आपने कहा था मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं या फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इस तरह से आपने अलग अलग कैटेगरी पढ़ी। यानी कि मेरा पॉइंट क्या है बेटा जी, हमने एक ही तरीका पढ़ा ऑटो, कि वो अपना खाना खुद बनाते बट वो बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं बेटा जी। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अब हम सेकेंड टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। आपने कहा था दो तरह के बैक्टीरिया, या तो खाना खुद बनाते हैं या फिर वो किसी और पे डिपेंडेंट है। जो किसी और पे डिपेंड होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही कल हमने सिर्फ एक पार्ट खत्म किया था, कौन सा बेटा जी यहाँ पे? ऑटोट्रॉफिक को खत्म किया था। आज हम जो बात कर रहे हैं बेटा जी, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हेटरोट्रॉफिक की बात कर रहे हैं बेटा जी। आज हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हेटरोट्रॉफिक की बात कर रहे हैं। तो अपनी हेडिंग डालेंगे बेटा जी अपनी नोटबुक के अंदर, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले बेटा जी इस टेबल को बना लो आप। अब हम इनको अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि यहां से हमारे कमिंग टेस्ट में क्वेश्चन अच्छे खासे में दिखाई देंगे। दो तीन क्वेश्चन पक्का आपको इसी टॉपिक से दिखाई देंगे, तो हम इसको अच्छे शुरू करते हैं बेटा जी। क्या क्या बातें जरा समझिएगा बात। सबसे पहले कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इस वर्ड का मतलब क्या है, तो क्या कहोगे बेटा जी? एनी बैक्टीरिया दैट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर द ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। एनी बैक्टीरिया दैट डिपेंड अपॉन अदर फॉर द ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और द फूड। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी यहां पे, बैक्टीरिया दैट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अब एक और पॉइंट आता है सर, अगर हम बैक्टीरिया के अंदर देखें, हमने ये तो कह दिया देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट अबेंडेंट कौन सी टाइप के? क्या ऑटो अबेंडेंट है या हिट्रो अबेंडेंट है? बैक्टीरिया के कौन से बैक्टीरिया अबेंडेंट फॉर्म में? तो ये बन जाता है आपके एक अच्छा खासा नीट के लिए क्वेश्चन बेटा, याद रखना है यहाँ पे अबेंडेंट बैक्टीरिया, मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया है हिट्रो ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
पॉइंट को समझिएगा बेटा जी, कल आपने पढ़ा था ऑटो, वो अपना खाना खुद बनाते थे, बट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया अगर किसी ग्रुप से बिलोंग करते थे, किससे बेटा जी, यहाँ पे वो हेटरोट्रॉफिक ग्रुप से बिलोंग करते। अब ये तो हमने कह दिया कि वो किसी और पे डिपेंड है फॉर द फूड, बट वो फूड को लेते कैसे हैं, या उनका अपना जो भी जिससे वो फूड लेते हैं उनके साथ उनका रिलेशन कैसा है, उसके भी यहाँ पे मैंने फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी बेटा जी यहाँ पे, तीन में। मैंने सबसे पहला वर्ड लिखा बेटा जी यहाँ पे सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहला वर्ड क्या है बेटा जी यहाँ पे, सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आपने 10th क्लास में पढ़ा है इन चीजों को अच्छे से, बट फिर भी क्या होते हैं सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया? बैक्टीरिया दैट डिपेंड या दैट फीड अपॉन डेड एंड डीके। जो किस पे फीड करता है बेटा जी यहाँ पे, डेड एंड डीके में फीड करते हैं, हम कहेंगे वो वाले कौन है बेटा जी यहाँ पे आपके सैप्रोट्रॉफिक। तो मैं लिखता हूं बेटा जी यहाँ पे बैक्टीरिया that feed upon dead and decay. जो डेड एंड डीके में फीड करते हैं वो वाले कौन है, सैप्रोट्रॉफिक है। तो मैं एक बार और बोलूं बेटा जी, देर ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजर, क्योंकि ये चीजों को डीकम्पोज करेंगे, उसे बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैं कहूंगा बेटा जी ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजर। आप और एक लाइन बोल सकते हो कि सर दे आर ऑल्सो नोन एज स्केवेंजर। क्या बेटा जी यहाँ पे, दे आर ऑल्सो नोन एज द स्केवेंजर, मतलब चीजों को क्लीन करने के, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे। ये स्केवेंजर का काम, चीजों को क्या करते हैं यहाँ पे, क्लीन करने का काम करते हैं। बिकॉज सोचिएगा, कहीं भी अगर हमारा वेस्ट मटेरियल पड़ा है, आप एग्जाम्पल लेकर सोच कर देखो, कहीं भी हमारा फीकल मैटर पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, अब अगर वो एज इट इज फॉर्म में पड़ा रहेगा, कोई ऐसा माइक्रोब से ना हो जो उसे डीकम्पोज कर सके, उसे वापस से उसे बिल्कुल डिग्रेड कर सके, अगर ऐसा कोई नहीं होगा तो फिर तो ऐसे ही एक्यूमुलेशन हो जाएगी बेटा जी आपके वेस्ट मटेरियल की, हाँ कि ना। तो उसको इन्वायरमेंट से क्लीन करने का काम, इन्वायरमेंट को प्रॉपरली क्लीन करने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है बेटा जी यहाँ पे, सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो मैं कहूंगा दे आर नोन एज डीकम्पोजर और द क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट और द स्केवेंजर ऑफ द इन्वायरमेंट कहलाते हैं बेटा जी यहाँ पे। ये चीजों को डीकम्पोज करते हैं, बिल्कुल सुने यहाँ पे, तो ये क्लीन करने का काम करेंगे इन्वायरमेंट को, ठीक बात। अब अगले वर्ड पे आते हैं सर, इसमें भी फिर बातें होती है कि बैक्टीरिया कैसे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सैप्रोट्रॉफिक भी दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा जी ऑब्लिगेट और एक का नाम होता है फैकल्टेटिव। इन वर्ड्स को कैसे याद रखोगे आप, चीजें जैसे मैं बोलूं वैसे ही समझना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही लिखना उस वर्ड को बेटा जी। हेडिंग डालिएगा बेटा जी यहां पे ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक। इस बात को याद रखना है, अपने नोटबुक में हिंदी में लिख लेना चाहिए अच्छे से बेटा जी, जो जैसा है वैसा ही दिखता है, जो जैसा है वैसा ही दिखता है वो ऑब्लिगेट है, जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, या आप ये कह सकते हो जैसा वो दिखता है वैसा वो होता नहीं है, वो कौन है बेटा जी यहां पे फैकल्टेटिव। कंफ्यूज नहीं होना, वर्ड को समझना, देखिए नाम मैंने क्या लिखा है, दे आर द ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट सैप्रोट्रॉफिक। वर्ड का क्या मतलब है, दे ऑलवेज फीड अपॉन डेड एंड डीके, दे ऑलवेज फीड अपॉन डेड एंड डीके। मैंने कहा बेटा जी यहां पे ऑलवेज फीड अपॉन डेड एंड डीके, डेड एंड डीके मेट्रियल। वो हमेशा किस पे फीड करेंगे बेटा जी, डेड और डीके फीड करेंगे। ऐसे अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो क्या कहलाएगा यहां पे, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक। अब अगले वर्ड को देखो नाम क्या लिखा है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। दिख क्या रहा है ये, मैंने अभी देखो हिंदी में क्या बोला था, जो जैसा है वैसा ही दिखता है, जो जैसा है वैसा ही दिखता है, दिख क्या रहा है मुझे यहाँ पे ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक, और है भी क्या ये ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक है, ठीक बात, लाइन करेक्ट हो गई। अगले वर्ड को समझो, मैंने लिखा क्या बेटा यहाँ पे फैकल्टेटिव पैरासाइट, दिख क्या रहा है आपको पैरासाइट, दिख क्या रहा है, मैंने लिखा क्या है पैरासाइट, बट ये पैरासाइट है नहीं, जैसा ये दिखता है वैसा ये होता नहीं, और जैसा ये है वैसा ये दिखता नहीं। तो मैं कहूंगा दीज आर द सैप्रोटॉक्सिन्स, दीज आर सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बट कैन ऑल्सो
सर्वाइव एज पैरासाइट। मतलब ऐसा है कुछ इन बातों का, ये सेप्रोट्रॉफिक है, अगर इन्हें कहीं डेड और डीके मिल गया ये उस पर फीड कर लेंगे। बट सोचो अगर नेचर में कहीं डेड एंड डीके इन्हें नहीं मिला तो भाई ये तो मर जाएंगे, ये सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये बिहेव करते हैं एज ए पैरासाइट इन द अब्सेंस ऑफ द डेड एंड डीके मेटेरियल। अगर इन्हें अब पूरा कंप्लीटली डेड एंड डीके नहीं मिला तो दे कैन बिहेव एज ए पैरासाइट। तो मैंने कहा पर ये है नहीं पैरासाइट, ये है कैसे बेटा जी? प्रेफरेंस को देखें तो ये प्रेफर करते हैं डेड और डीके पे फीड करने की, ये कभी पैरासाइट की तरह बिहेव नहीं करते। पर नाम देखो क्या लिखा मैंने बेटा जी, फैकल्टेटिव पैरासाइट। नाम क्या लिखा बच्चा मैंने? फैकल्टेटिव पैरासाइट। पर ये है क्या? दिख क्या रहा है मुझे? पैरासाइट, बट है क्या ये? सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो मैंने डेफिनेशन लिखी बेटा जी, दीज आर सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बट कैन ऑल्सो सर्व एज ए पैरासाइट इन द अब्सेंस ऑफ द डेड एंड डीके मेटेरियल। इन द अब्सेंस ऑफ द डेड एंड डीके मेटेरियल दे कैन बिहेव एज ए पैरासाइट। हमें ये लगते पैरासाइट है बट ये होते नहीं है पैरासाइट बेटा जी, ये तो बिहेव कर रहे हैं एज ए पैरासाइट। तो जो लाइन मैंने बोली उसको मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा जी, ये जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, ये जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं है। इस तरह से इस वर्ड को समझो, किसी भी चीज के आगे याद रखना, नॉट ओनली इन दिस कंडीशन, अगर मैं कभी भी आप कुछ भी टॉपिक पढ़ाओ उस टॉपिक के आगे बेटा जी वर्ड लगा दूं मैं फैकल्टेटिव, तो उस वर्ड का एक ही मतलब होता है, वो जो आगे वर्ड लिखा है वो एक्चुअली वैसा है नहीं, वो जैसा है वैसे तो दिख ही नहीं रहा। जैसे आगे और एग्जांपल आएंगे तो ये बातें बार बार यूज करूंगा यहाँ पे, बट फैकल्टेटिव वर्ड को समझो, जब भी वर्ड किसी चीज के आगे लगेगा वो वैसा होता नहीं है और जैसा वो है वैसा वो दिखता नहीं है। ठीक है, इस वर्ड को इस तरह से याद रखो बेटा, ये तो बातें हो गई। अब आती बातें एग्जाम्पल्स की, सर ये क्या करते हैं? मैं कहूंगा ये चीजों को हमेशा डिग्रेड करने का काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बैक्टीरिया की बात कीजिए, तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे, बैसिलस वल्गरिस। बैसिलस वर्ड आपको पता है बेटा जी, जैसे रोड से बैक्टीरिया। अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी, क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम। ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है, क्यों याद रखना है? बिकॉज इट कॉज फूड पॉइजनिंग। आपने कई बार देखा होगा जो डब्बा पैक फूड रहता है, जो डब्बे में इंक्लोज फूड रहता है वो कई बार सड़ जाता है, या हम अगर उस डब्बा पैक फूड को खा ले तो हमें कई बार डिजीज हो जाता है, आप कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया। वो एक्चुअली फूड पॉइजनिंग कोज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? आपका क्लोस्ट्रिडियम बुटालिनम। क्या नाम बेटा जी यहाँ पे? क्लोस्ट्रिडियम बुटालिनम। ये क्या कोज करता है बेटा जी? फूड पॉइजनिंग कोज करता है। क्यों? क्योंकि ये वो जो मिक्सचर था, सपोज करो कुछ भी डब्बा पैक चीज है वहां पे जो फूड बैठा है ये उस फूड पे क्या करता है बेटा जी यहाँ पे? फीड ऑन करता है। उस फूड को अगर आपने खा लिया तो आपको डिजीज हो जाएगी, डिजीज का नाम क्या होगा? फूड पॉइजनिंग। तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है बेटा जी यहाँ पे, क्लोस्ट्रिडियम बुटालिनम, इट कॉज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये बीमारी के तौर पर इसका नाम याद रखना है बेटा जी। अगला नाम आता है लैक्टोबैसिलस। आगे आगे इसका पूरा नाम लिखू मैं यहाँ पे आपका, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस ये कौन सा बैक्टीरिया है? जो बेटा मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, जो आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब घर में दही को जमाती है, शाम को दूध को जब जमाती है तो क्या करती है? एक थोड़ा सा वहां पे छाछ है वहां पे, वो अपना थोड़ा सा दही को डालती है। उसे एक्चुअली दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा जी? लैक्टोबैसिलस। उसका पूरा नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, जो आपके मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। उसके बारे में याद रखना बेटा जी, इज द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। ये बैक्टीरिया क्या करता है बेटा जी? मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड की फॉर्म में, ये वो बैक्टीरिया बेटा जी। नाम क्या है यहाँ पे? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। याद रहेगा बेटा, तो मैंने आपको तीन एग्जांपल दिए यहाँ पे ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक के। क्या होता है ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक बेटा जी? इट इज द बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव ओनली एज ए सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड इट कैन फीड ऑलवेज ऑन द डेड एंड डीके। एग्जांपल के तौर पे बेटा जी यहाँ पे बैसिलस वल्गरिस, क्लोस्ट्रिडियम बुटालिनम दैट कॉज द फूड पॉइजनिंग, एंड आपने कहा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस दैट कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कर्ड। ये आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगला वर्ड आता है बेटा जी, सर यहाँ पे पैरासाइट लिखा है। मैं कहूँ यस, बट ये बिहेव एज ए पैरासाइट है, बट एक्चुअली ये बैक्टीरिया कैसे बेटा? यहाँ सेप्रोट्रॉफिक। इनके भी एग्जांपल में कौन कौन आते हैं बेटा जी यहाँ पे? सूडोमोनास, या नाम आता है स्टेफेलोकोकस। आई थिंक ये वर्ड आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था शेप ऑफ द बैक्टीरिया। क्या पढ़ाया था बच्चा मैंने? शेप ऑफ द बैक्टीरिया, वहां पे वर्ड आया था बेटा जी कोकस।
कैसे सेब हो बेटा जी, यहाँ पे स्पेरिकल सेब हो, और आपने कहा था स्टेप फाइव हो, आपने कहा 3D में इरेगुलर ज्योमेट्री है, 3D में कहूंगा इरेगुलर, अगर वो आपका स्ट्रक्चर बनता है इरेगुलर स्ट्रक्चर वाला जो शेप था बेटा जी, उसका नाम क्या था यहाँ पे स्टेफिलोकोकस, याद आ रहा होगा आपके वर्ड बेटा जी, तो वही वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेफिलोकोकस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द सेफोट्रॉफिक बैक्टीरिया। चलिएगा बेटा जी, हेडिंग डालेंगे सिंबायोटिक बैक्टीरिया। क्या होता है सिंबायोटिक? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने होस्ट के साथ लिंक होते हैं, और ये दोनों को फायदा होगा, ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं ये उसको फायदा करेंगे यहां पे, और खुद को वहां से फूड को लेने का काम करेंगे बेटा जी। तो मैं कहूंगा दीज आर द पैरासाइट टाइप बैक्टीरिया, मैं कहूंगा दीज आर प्रेजेंट विद इन द होस्ट, एंड यहां पे जिसके साथ रिलेशनशिप में होंगे यहां पे वहां दोनों को फायदा होगा। आप इस बात को इस तरह समझिएगा, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप आरपी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आरपी स्कूल में आपके बीच में एक रिलेशन है, वो कैसा रिश्ता है बेटा जी यहाँ पे, सिंबायोटिक रिलेशनशिप है। कैसा है बेटा जी यहाँ पे, सिंबायोटिक, इस वर्ड का क्या मतलब है, आप वहां पे नॉलेज को गेन कर रहे हो इससे आपको फायदा हो रहा है, बट आप स्कूल में फी पे करते हो इससे स्कूल का फायदा होता है, तो दोनों का आपस में क्या हो रहा है, फायदा। मैं कहूंगा ऐसा कोई अगर रिश्ता है तो उस रिश्ते को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, सिंबायोटिक। तो मैं कहूंगा बेटा जी they are present within host and both bacteria and host get benefit। दोनों को क्या होगा बेटा यहां पर फायदा होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेता पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहां पर आप लोगों ने सुना है बेटा जी नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन अबेंडेंट फॉर्म में होता है हमारे एयर में, 78% अबेंडेंट फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे एयर में, बट कभी भी हमारे प्लांट जो होते हैं वो इस नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, इस एयर की फॉर्म वाली को, गैसेस केस वाली को, गैसेस स्टेट वाली नाइट्रोजन को यूज नहीं करते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो हमेशा नाइट्रोजन लेते हैं या तो अमोनिया की फॉर्म में, या नाइट्राइट की फॉर्म में, या नाइट्रेट की फॉर्म में। तो आपने एक वर्ड सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक वर्ड क्या होगा बेटा नाइट्रोजन फिक्स, तो वहां पे एक बैक्टीरिया आता है उसका नाम होता है बेटा जी राइजोबियम। इट फॉर्म प्लांट रूट नोड्यूल, वो प्लांट की रूट में बेटा जी नोड्यूल बनाता है, एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनियस प्लांट। अब आप पूछ रहे लेग्यूमिनियस प्लांट कौन से होते हैं, मैं कहूंगा बेटे जो आपके पल्सिस हैं ये सब कैसे प्लांट है बेटा जी आपके यहां पे लेग्यूमिनियस प्लांट, तो उन प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन करता है बेटा जी यहां पे राइजोबियम करता है। ऐसे एक और नाम होता है बेटा जी फ्रेंकिया, एंड मैं को ना बिकूंगा बेटा जी यहां पे जेंथोमोनाज, जेंथोमोनाज ये भी क्या करते हैं बेटा जी यहां पे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट। वर्ड को समझ कर देखो बेटा जी, जो भी हमारे लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं उन प्लांट में अगर नाइट्रोजन को फिक्स करना तो वो काम कौन करता है राइजोबियम। अब ये सोचेगा ये अगर प्लांट की रूट में नाइट्रोजन को फिक्स करेगा तो प्लांट को क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। अब प्लांट क्या कहेगा, चलो आप मेरा नाइट्रोजन फिक्स कर दे, इसके बदले मैं आपको क्या दे रहा हूं यहां पर फूड दे रहा हूं। दोनों को फायदा हो रहा है,
ये प्लांट से क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, बट ये प्लांट को क्या दे रहा है बदले में, ये बदले में दे रहा है बेटा जी यहाँ पे क्या, उसको यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा है। ऐसे ही जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके किस्म बेटा यहाँ पे फ्रैंकियर जेंथोमोनास, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसके बदले में प्लांट से क्या लेते हैं, खाना लेते हैं, दोनों को फायदा होता है। तो ऐसा कोई रिश्ता जहां पे दोनों का आपस में फायदा हो, ऐसा रिश्ता क्या कहलाता है बेटा जी यहाँ पे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहलाता है बच्चा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां पे दोनों का फायदा होता है। मैं कहूंगी बैक्टीरिया कैसे बेटा जी यहाँ पे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब कई बच्चों के दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा, सर हमारे अंदर है क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया, बिल्कुल है ना बेटा हमारे अंदर बैक्टीरिया, कौन सा, इकोलाई। आप एग्जाम्पल तौर पर लिखेंगे बेटा जी इकोलाई, आपको बताते हैं उसके बारे में। इकोलाई कहां मिलता है बेटा जी, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है कैशियम। कहां बोला बेटा जी, यहां पे एक एंट्रिक बैक्टीरिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट कैशियम में प्रेजेंट होता है, और ये वहां पे क्या करता है, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये उसके ऊपर फीड करता है। किस पे बेटा जी, यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर फीड करता है, और ये भैया जी वहां पे उसके ऊपर फीड करके अपने आप को जिंदा रखता है, पर हमें उसके बदले में क्या देता है, विटामिन बी एंड विटामिन के को प्रोड्यूस करता है। तो लिखे अगर इसके बारे में यहां पे, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड फीड अपॉन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड प्रोड्यूस विटामिन बी एंड के फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब हमारे अंदर बैठा हुआ इंटेस्टाइन में हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये उसको फीड करने लग रहा है, इसको खाना मिल गया, पर इसने हमें क्या दिया, विटामिन बी को विटामिन के को बना कर दिया, तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या है बेटा जी, हमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये अपने होस्ट के अंदर बैठे हुए, बट होस्ट को भी फायदा देंगे तो खुद भी उससे कुछ फायदा लेंगे। ऐसे जो बैक्टीरिया मैं कहूंगा वो कैसे बैक्टीरिया है बेटा जी, यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक बात है, चलिएगा खत्म होता है ये टॉपिक भी हमारा। अब क्या आता है बेटा, अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, और नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, पैरासिटिक बैक्टीरिया। इस वर्ड का मतलब क्या है, दे डिपेंड अपॉन द होस्ट, ये हमेशा अपने होस्ट पे डिपेंड है फॉर देयर सर्वाइवल, और ये हमेशा अपने होस्ट के खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं बेटा। तो मैं लिखूंगा पहला पॉइंट बेटा जी, पैरासिटिक बैक्टीरिया के अंदर दे डिपेंड अपॉन होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, पहला पॉइंट बेटा जी। दूसरा पॉइंट बेटा जी, दे कॉज डिजीज, दे कॉज डिजीज, ये डिजीज को कॉज करते हैं बेटा जी। ठीक बात है, यहां से अगला दे प्रोड्यूस ए केमिकल दैट कॉज डिजीज। अब जरा वर्ड को समझना बेटा जी, एक ऐसा केमिकल इनके अंदर होता है या फिर ये प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से भेजिए जिस होस्ट में होंगे उसके अंदर ही डिजीज कॉज करेंगे यहां पर। अब आप कहोगे सर वो क्या होगा, मैं कहूंगा ऐसा केमिकल दैट प्रोड्यूस डिजीज, मैंने लिखा बेटा जी केमिकल दैट कॉज डिजीज इज नोन एज टॉक्सिन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहां पे, टॉक्सिन बोलते हैं। मेरे वर्ड वगैरह दोबारा सुनना, मैं कहूंगा बेटा पैरासिटिक बैक्टीरिया वो है जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं, अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो खाना हमेशा अपने होस्ट से क्या करने वाले बेटा जी यहां पे, एब्जॉर्ब करने वाले। अब अगर ये वहां सर्वाइव करेंगे तो मैं कहूंगा अपने होस्ट को साथ में क्या करते हैं यहाँ पे, डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं अपने होस्ट में। अब पॉइंट आता है सर अगर ये डिजीज करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं कहूंगा भाई ये कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और वो केमिकल जो होता है उस केमिकल की वजह से यहाँ पे उस होस्ट को डिजीज हो जाता है।
अब वो केमिकल जो डिजीज कोज करता है उस केमिकल को क्या बोलते हैं बेटा जन, यहाँ पे टॉक्सिन बोलते हैं। उस केमिकल को क्या बोलते हैं बच्चा में, यहाँ पे टॉक्सिन बोलते हैं। अब पॉइंट आता है सर वो टॉक्सिन कैसे कैसे होते हैं, हम कहेंगे ब्रॉडली टॉक्सिन दो प्रकार के होते हैं बेटा जी, यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। वो क्या होते हैं उनका हम पढ़ना शुरू करते हैं। तब हेडिंग डालेंगे बेटा जी यहाँ पे टॉक्सिन, कि टॉक्सिन बेटा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टॉक्सिन होता है यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन या बेटा टॉक्सिन का नाम होता है एंडोटॉक्सिन। अब पॉइंट आता है सर ये वर्ड का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा सुनेगा बेटा जी, एक्सो वर्ड का मतलब है बाहर। इस बाहर वर्ड का क्या मतलब है, इट इज द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर बैक्टीरिया बैठा हुआ है और वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, उस केमिकल की वजह से क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पे आपका उस सेल को वहां प्रॉब्लम होने वाली है। फिर ये क्या मैं कहूंगा, दीज आर नॉट द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस बाय द सेल, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के ही कोई कंपोनेंट है और जैसे ही बैक्टीरिया अपनी होस्ट सेल में जाता है तो उस कंपोनेंट की वजह से बेटा जी, जैसे बैक्टीरिया अपने आप को यहाँ पे लाइज्ड कर लेता है तो वो कंपोनेंट जो बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट है बेटा जी, वो वहां पे डिजीज कोज करता है। दोबारा मेरे वर्ड को सुन लो, these are the specific chemical that are produced and secreted by the bacterial cell, these are not produced, these are part of the bacterial cell। ये bacterial cell के ही क्या है कोई ना कोई part होता है। तुम लिख देता हूं बेटा जी यहां पे, these are the chemical that are produced and secreted by bacterial cell। Point को समझो बेटा जी, ये chemical है जो bacterial cell produce करके उन्हें secrete करती है। इनके बारे में सुनना बेटा जी, these chemical are the component of तो भी है बट ये वो स्पेशली प्रोड्यूस करता है जिसको कॉज द डिजीज। ठीक है, अगले वर्ड को बेटा जी, अगर हम उनके केमिकल नेचर की बात करें, कहूंगा दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, इनके बारे में क्या कहोगे बेटा जी, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड। ये किसके बने बेटा जी, लिपिड के बने। अब ये किन में प्रोड्यूस होते, मैं कहूंगा बेटा जी दे आर प्रोड्यूस बाय, दे प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी, कि जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं दोनों प्रोड्यूस करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी, बट दे आर प्रोड्यूस बाय ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉइंट को समझ रहे हैं, यहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे यहां पे कि एंडोटॉक्सिन सीक्रेटेड बाय विच बैक्टीरिया, किसके द्वारा बेटा जी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसे क्या करते हैं यहां पे सीक्रेट करते हैं। याद रहे की बात यहां पे, चलिए और इनकी बातें करते हैं। तीन पॉइंट हो गए आपके यहां पे, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हो सर कौन सा केमिकल ज्यादा स्टेबल है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये वाला लेस स्टेबल, लेस स्टेबल टॉक्सिन सेंसिटिव टू हीट। वो हीट को लेकर पड़ा क्या सेंसिटिव, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है बेटा जी। इसके बारे में बातें करते हैं बेटा जी, दे आर या मैं कहूंगा दीज आर मोर स्टेबल, दीज आर मोर स्टेबल टॉक्सिन एंड आर
हीट स्टेबल, ये हीट को लेकर स्टेबल, और ये कैसे हैं मैं ब्रेक टेबल लिखता हूं बेटा जी, यहां पे हीट लाइबल, कई बार क्वेश्चन आ जाता है लाइबल वर्ड के ऊपर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर लाइबल क्या है, मैं कहूंगा जो हीट को लेकर बड़ी सेंसिटिव है, जो इजिली अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो ब्रेक डाउन हो जाए, मैं कहूंगा वो वाले कैसे बेटा जी यहाँ पे आपके एक्सोटॉक्सिन, और जो हीट को लेकर स्टेबल है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे एंडोटॉक्सिन। अब एक और पॉइंट को समझना बेटा जी, इन टॉक्सिन से हमें कभी फीवर नहीं आता, नेवर कॉज फीवर, ये बेटा जी कॉज फीवर, मतलब अगर कोई बैक्टीरियल हमें इन्फेक्शन होता है हमें वहां पे फीवर आ जाता है तो समझ लेना उस बैक्टीरिया ने हमारे अंदर कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस किया बेटा जी, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया, बट अगर उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें बेटा जी फीवर नहीं आता तो वो कौन सा है बेटा जी यहाँ पे आपका एक्सोटॉक्सिन, याद रहेंगे बेटा जी यहाँ पे ये मेनली प्रोटीन का बना होता है बेटा जी, ये यहाँ पे आपका लिपिड्स का बना होता है, दोनों अलग अलग है, ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया की सेल प्रोड्यूस करती है, ये बैक्टीरिया सेल प्रोड्यूस नहीं करते बेटा जी यहाँ पे, ये तो बैक्टीरियल सेल का पार्ट है, कंपोनेंट है बेटा जी। एक और बात मैं आपको बताऊं, ज्यादा मोर इम्यूनोजेनिक, ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स, ज्यादा हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाला कौन है यहाँ पे, तो वो कौन है बेटा जी यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन, ये फीवर कॉज नहीं करता बट ज्यादा डैमेज करने वाला ज्यादा पावरफुल कौन है बेटा जी यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन, जबकि ये कैसा है बेटा जी यहाँ पे लेस पावरफुल है, तो लिख देता हूं एक बात इनके लिए बेटा जी यहाँ पे, इट इज मोर एंटीजेनिक एंड कॉज हाई इम्यून रिस्पॉन्स, इनके बारे में कहोगे बेटा जी यहां पे लेस एंटीजेनिक एंड cause less immune response, चलिएगा कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ में दोबारा से मैं आपके लिए रिकॉल करता हूं हर चीजों को, हम पढ़ रहे हैं बेटा जी पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, और ये डिजीज कोज करने वाले बैक्टीरिया हैं बेटा जी। अभी डिजीज अगर प्रोड्यूस करते हैं कोई ना कोई तो बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस करती होंगी, वो केमिकल जो ये प्रोड्यूस करते हैं उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं टॉक्सिन, वो केमिकल भी दो तरह का होता है, या तो उस केमिकल को बना के ये सीक्रेट करते हैं होस्ट सेल, या फिर वो टॉक्सिन जो होता है केमिकल होता है वो इनके सेल के अंदर ऑलरेडी एज ए कंपोनेंट के तौर पर बैठा होता है, ठीक है। आपने कहा सर जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा है यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन, और जो इनके सेल के अंदर ही बैठा हुआ होता है वो कौन सा है यहाँ पे एंडोटॉक्सिन। आपने कहा सर ये मेनली प्रोटीन का बना होता है टॉक्सिन, ये जबकि लिपिड का बना होता है, ये कभी फीवर कोज नहीं करता, ये फीवर कोज करता है, ये बेटा जी आपका यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, ये आपका हीट को लेकर लेस स्टेबल है, जबकि ये कैसे यहाँ पे मोर स्टेबल है। आपने कहा सर ये मोर एंटीजेनिक और मोर इम्यून रिस्पॉन्स को कोज करता है, जबकि ये कैसा करता है यहाँ पे लेस एंटीजेनिक और लेस इम्यून रिस्पॉन्स को कोज करता है, तो डिफरेंस है बेटा जी एक्सोटॉक्सिन और किसमें यहाँ पे एंडोटॉक्सिन में। पॉइंट को याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, ये टॉक्सिन दोनों बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, बट ये टॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है ग्राम नेगेटिव में होता है, मतलब ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के, अब यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं दैट प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, और ग्राम नेगेटिव ऐसे भी होते हैं दैट प्रोड्यूस द एंडोटॉक्सिन, तो दो तरह की बातें होती है, याद रहेगी बेटा जी बातें। चलिएगा अब आपके पेपर में आते हैं कुछ डिजीज के नाम, तो ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं, बट आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखें जो बड़े कॉमन डिजीज है उनके आपको एग्जांपल याद रखने हैं। मैंने कहा सबसे ज्यादा ह्यूमन में अगर डिजीज कोज की जाती है, तो मैं एक वर्ड बोलूंगा 90% ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर ड्यू टू द बैक्टीरिया, 90% ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर ड्यू टू द बैक्टीरिया, मैं ये नहीं कहा कि कंप्लीट बट कहूंगा अबंडेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीज, या मैं कहूंगा एनिमल के अंदर जो डिजीज होते हैं मैक्सिमम किसकी वजह से होते हैं बेटा जी यहाँ पे आपके होते हैं ड्यू टू द बैक्टीरिया, बट प्लांट में ऐसा नहीं है बेटा जी, प्लांट में मैक्सिमम डिजीज होते हैं फंगस के द्वारा, और सेकंड नंबर पे आता है कौन बेटा जी प्लांट को, लिख लेना बेटा जी स्लाइन को यहाँ पे, अब बोल देता हूँ स्लाइन को लिखो जरा यहाँ पे, क्या लिखना है बेटा जी यहाँ पे इन एनिमल of disease caused by
caused by bacteria, 90%. In plant, bacterial disease ranks second. And abundant disease caused by fungi. सबसे ज्यादा कौन करता है प्लांट में बेटा जी? यहाँ पे फंगस करता है, जबकि एनिमल में कौन करता है बेटा जी? बैक्टीरिया करता है. तो इस पॉइंट को याद रखना है. तो मैं कुछ एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूँ, उन एग्जांपल को अच्छे से नोटबुक में लिखना है बेटा जी, उनको याद रखना है. आपको भी कुछ वो आपके एग्जाम में दिखाई देंगे बेटा जी. चलो कॉमन कॉमन डिजीज की बात करेंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे यहाँ पे. जैसे मैं सबसे पहले बोलूँ बेटा जी, आपको हो जाता है टिटनेस. टिटनेस को बोलते लोकजा. बैक्टीरिया का नाम बेटा जी, मैं यहां लिख रहा हूं डिजीज का नाम, यहां मैं लिख रहा हूं कॉजेटिव एजेंट का नाम बेटा जी. मैंने दूसरा लिखा बेटा जी यहां पे टाइफाइड. मेनली हो जाता है टाइफाइड, ये कॉज होता है बेटा जी यहां पे सेलमोनेला टाइफी. थर्ड बेटा जी हम अगर लिखे तो आप बोलते बोल सकते हैं फिर निमोनिया. याद रखना है बेटा जी यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. यहां मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे डिप्लोकोकस निमोनिया. आई थिंक आपको नाम समझ में आ रहा होगा बेटा जी. स्टेप्टो मतलब चेन की फॉर्म में है, कोकस मतलब स्पेरिकल शेप का, डिप्लो मतलब दो की फॉर्म में है, डिप्लो का मतलब था दो और कोकस मतलब स्पेरिकल. तो मतलब सेम ही है, कोकस बैक्टीरिया है बट उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया का नंबर कितना क्या, वो चेन की फॉर्म में है या दो ही है, उसके यहाँ पे नाम लिखा गया बेटा जी. अब यहाँ पे आपको एक नाम और याद रखना है बेटा जी यहाँ पे, और नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे हीमोफाइलस. ये नाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बेटा जी. क्यों नाम इंपॉर्टेंट है ये नाम? क्योंकि देखो यहां नाम है सेलमोनेला टाइफी, टाइफाइड उस बीमारी का नाम है. क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई टिटनेस बीमारी का नाम है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निमोनिया बीमारी का नाम है. बट यहां देखो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, तो पेपर में आ जाता है कई बार यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के नाम से तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज. कैसे कि भाई इन्फ्लुएंजा है तो भाई इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के द्वारा होगा? नहीं मेरे भाई, इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है वो तो एक वायरल डिजीज है. इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है बेटा वो तो एक वायरल डिजीज है. और यहां देखो नाम क्या है बैक्टीरिया का, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. ये बैक्टीरिया का नाम है दैट कॉज निमोनिया. इसलिए निमोनिया के एक और नाम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, ताकि ये नाम वहां पे करेक्ट हो सके. तो निमोनिया का एक नाम और होता है क्या बेटा जी, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा. तो वो नाम इसके लिए आप लिखते, तो वो नाम लिख दूं मैं यहाँ पे आपके लिए. निमोनिया इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा. याद रखना इस बात को बेटा जी यहाँ पे. अगर निमोनिया के नाम पे अगर ये ऑप्शन होता आप इसके साथ जाना बेटा जी, क्योंकि ये क्या कोर्स करते हैं निमोनिया कोर्स करता है. तो घबराना नहीं है आपको, इस बात को याद रखना है बेटा. फोर्थ साइफिल्स. साइफिल्स बेटा जी एक एसटीडी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है साइफिल्स बेटा जी.
ये कोर्स क्या जाता है बाय द बैक्टीरिया नोन एज ट्रिप ट्रिपोनिमा पेलिडियम ट्रिपोनिमा पेलिडियम इज द बैक्टीरिया दैट कॉज द साइफिलिस। ठीक है और लिखते हैं नाम आपके लिए बेटा। ये कुछ बीमारियां जिनके बारे में आपको नाम याद रखना है गोनोरिया ये बीमारी कैसे बेटा जी इट इज एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसी बेटा जी एसटीडी जे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है बेटा जी यहां पे और इसको कोस करने वाले बेक्चा का नाम क्या होता है बेटा जी यहां पे इजिलिया गोनोरी। अगला नाम आता है बेटा जी वूपिंग कफ क्या होता है जो आपको खांसी हो जाती है इसी के एक और नाम भी होता है बेटा वूपिंग कफ का also known as pertussis क्या नाम होता है इसका यहाँ पे pertussis किस यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे Bordetella pertussis जो इस बीमारी को कोस करता है बेटा जी। अगला नाम आता है बेटा जी यहाँ पे प्लेग प्लेग को कोस करने वाला जो एजेंट होता है उसका नाम होता है बेटा जी Yersinia pestis Yersinia pestis is the name of the bacteria that causes the plague आपको मैं इसके बारे में बताऊं अभी अपने यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ बेटा जी बहुत ज्यादा आज से करीबन 100 साल पहले 1920 में बहुत ज्यादा लोग मरे थे बेटा जी यहाँ पे आई थिंक करोड़ों में लोग मरे थे बेटा जी ड्यू टू द प्लेग इसकी महामारी आई थी प्लेग और ये फैलता है मेनली रोडेंट से ये चूहों से फैलता है बेटा जी प्लेग यहाँ पे बट इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज उसको कोज का एजेंट का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे Yersinia pestis। तो ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे नाम इनमें से कुछ डिजीज तो ऐसे हैं जो आपको प्लस टू क्लास में पढ़ने हैं बहुत डिटेल में। अब कई बार क्या होता है आपका जब ये पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है बैक्टीरिया के ऊपर। अब काफी तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको ट्वेल्थ में जाके एज इट इज पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज वहां पे जाके हम एक डिजीज को पढ़ेंगे वहां हमारा चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो वहां हम इनको जाके डिटेल में पढ़ते हैं बेटा जी। बट यहाँ जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ एग्जाम्पल तो जाने कि भाई हमारे लिए पैरासिटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दीजिएगा सर जो डिजीज कोज कर रहे हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि यस फ्यू एग्जाम्पल और मेनली यहाँ पे एग्जाम्पल वो दिए गए बेटा जी यहाँ पे जो बहुत ही कॉमन डिजीज है ठीक है यहाँ पे तो मैंने आपको यहाँ पे 7 एग्जाम्पल दिए हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन डिजीज जो कि बेटा जी मेनली ह्यूमन में होते हैं बट ऐसे कुछ एग्जाम्पल और है तो 7 ये हो गए 3 नाम मैं आपको और बता रहा हूँ बेटा जी जो प्लांट के डिजीज है बेटा जी इस डिजीज में बेटा जी यहाँ पे प्लांट के तो वो भी आपको याद रखने बिकॉज वो भी आपके आएंगे पेपर में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्लांट डिजीज के अंदर सिट्रस कैंकर एक कोर्स क्या लगता है बेटा जी Xanthomonas सिट्री Xanthomonas सिट्री के द्वारा। दूसरा मैंने बोला बेटा जी यहां पे आपका बैक्टीरियल ब्लाइट लीफ डिजीज ऑफ राइस
मतलब राइस के जो पत्ते होते हैं बिल्कुल वो आपके येलो इस से पड़ जाएंगे, तो मैं कहूंगा वो वाला होगा बेटा जी डिजीज। तो इसका नाम होता है कोर्स करने वाले एजेंट का नाम बेटा जी यहाँ पे जेंथोमोनास ओरिजे, जेंथोमोनास ओरिजे ऐसी एक नाम और याद रख लेना बेटा जी यहाँ पे ग्राउंड गोल्ड डिजीज ऑफ डाइकोट प्लांट। ये किसी भी डाइकोट प्लांट में हो सकता है बेटा जी। इसे आप ये भी कह सकते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन की उसमें गांठ बन जाती है प्लांट बेटा जी। इसे कॉज करता है आपका बेटा जी यहां पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। ये बेटा जी कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर द अपने एग्जाम के लिए भी, को जिनके आपको कुछ डिजीज के नाम याद रखने हैं। चलेगा टॉपिक एक बार समराइज कर देते हैं आपके लिए। आज आप बेटा जी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसमें आपने बातें की तीन तरह के बेटा। या तो आप बातें करते हो सबसे पहले यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक की, वहां फिर आपने दो बातें की कि भाई डेड और डीके में फीड तो करते हैं बट वो कैसे बैक्टीरिया हैं, क्या वो सिर्फ डेड और डीके में फीड करते हैं? मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा ये बैक्टीरिया होते हैं बेटा जी ऑब्लिगेट, एक ऐसा होता है जो सेप्रोट्रॉफिक है बट ऑल्सो बिहेव एज ए पैरासाइट अगर वहां पे उन्हें डेड डीके फूड ना मिले तो। उसका आपने नाम रखा था फैकल्टेटिव पैरासाइट। देख हमें वो पैरासाइट रहे बट वो होते क्या है बेटा जी, आप सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। फिर आपने एग्जाम्पल पढ़ा था बेटा जी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया अपने होस्ट के साथ है जहां दोनों को फायदा होगा, होस्ट को एज वेल एज प्लांट को और होस्ट को एज वेल एज बैक्टीरिया को। तो आपने उन्हें तीन एग्जाम्पल जाने बेटा जी, इक्वल जो कि हमारे अंदर होता है राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है लेगोनियस प्लांट में बेटा जी, आपने जाना यहाँ पे फ्रेंकिया के बारे में जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है विद इन द नॉन लेगोनियस प्लांट के अंदर, दोनों का आपस में फायदा हो रहा है। फिर आपने कहा सर थर्ड जो कैटेगरी के बैक्टीरिया उनका नाम क्या है, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो मेनली डिजीज कोज करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये अपने होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, ये वहां पे केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल से टॉक्सिन हो उस केमिकल से वहां पे आपको डिजीज हो, तो उस केमिकल को हम बोलते हैं बेटा टॉक्सिन, या तो वो एक्सोटॉक्सिन या फिर वो आपका यहाँ पे एंडोटॉक्सिन। एंड अब हमने बातें की है कुछ एग्जाम्पल की बातें बेटा जी, एग्जाम्पल ऑफ द डिजीज दैट आर मेनली ओकर ड्यू टू द बैक्टीरिया। तो हमने सात आपको कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं रिगार्डिंग द एनिमल डिजीज, एंड बेटा जी मैंने आपको थ्री एग्जाम्पल दिए हैं रिगार्डिंग द प्लांट डिजीज। मैं आपको बता दूं बेटा जी ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ये तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है तो आपको याद रखना है बेटा जी, एग्जाम में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है बेटा जो आपको याद रखने ही रखने, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे सारे नाम आपको याद हो जाएंगे बेटा जी यहाँ पे, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है यहाँ पे। चीजों को समराइज करके देखो, पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और फिर चीजों को समराइज करो बेटा जी कि एक्चुअली आज सर ने क्या पढ़ाया। तो देखा जाए तो लेक्चर आपको लेंथ वाइज बहुत बड़ा लगता है, लेंथ वाइज आपको बड़ा लगता है कि लेक्चर सर ने आज बहुत बड़ा ले लिया, बट ये लेक्चर बड़ा नहीं है बेटा जी, चीजें बड़ी लिमिटेड सी है। मैंने आपको तीन चीजें समझाने की कोशिश की आज के लेक्चर में, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो चीजों को समराइज कीजिएगा क्योंकि अब साथ साथ लिखने का काम भी करना होता है, तो बेटा जी यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए तो आप उसको अदर वे में नहीं लेंगे बातों को, और आपको बोर नहीं होना है। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं, बोर नहीं होना है बिकॉज ये वीडियो के थ्रू पढ़ना है बेटा जी हमें, और यही हमारा ऑप्शन है बिकॉज अब कोरोना वायरस फैला हुआ है तो हम आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करें बेटा जी, इट इज द ओनली वे जिससे अब हम बातें हो सकती है। एंड कहीं भी कोई डाउट आता है तो बेझिझक मुझे मैसेज कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिएगा। काफी बच्चे ऐसे जो मुझसे बहुत प्रॉब्लम पूछते हैं, जैसे कि मानसी हमेशा मुझे मैसेज करती रहती है सर ये टॉपिक पे डाउट है, ये टॉपिक डाउट है। वंशी का मुझसे बहुत डाउट पूछती है कि सर यहाँ डाउट है यहाँ डाउट है, तो अच्छा लगता है कि बच्चे यस टॉपिक को पढ़ते हैं उसके बाद वो हमसे डाउट पूछते हैं। बट ऐसे कम बच्चे हैं, पारस है, पारस पूछता रहता है डाउट हमसे, बट ऐसे बच्चों के नंबर बहुत ही लिमिटेड है बेटा से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से प्लीज 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 वीडियो को देखिएगा और कहीं भी डाउट आए तो हमसे पूछेगा, बिकॉज आपके डाउट पूछोगे तभी तो पता लगेगा कि कितना आप समझ पा रहे हैं चीजों को। चलेगा, कोई डाउट आता है तो फिर पूछते रहना मुझसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।